नहीं मिला था अभी माना पड़ा। कितना मिला था पहले? पहले सर वो मैंने कभी बंद था सर एकदम। मान कितना? 400-500 था सर। क्या हाँ सर बताएंगे, आज आपके द्वारा ट्रेकिंग ग्राउंड का दौरा किया गया, किस तरह की व्यवस्थाएं पाई गई? ट्रेकिंग ग्राउंड के इंस्पेक्शन में मैंने मोस्टली वहाँ का जो अपना वेस्ट प्रोसेसिंग का जो यूनिट है उसका अवलोकन किया, जिसमें मैं पाया कि वो कई दिनों से स्टार्ट भी नहीं है। और क्योंकि हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण में बहुत मेजर पॉइंट रहता है ये कि हम कचरा का डिस्पोजल हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने संबंधित को हमने निर्देश भी दिया है और फिर इसको हम बहुत जल्दी स्टार्ट भी करेंगे। क्योंकि और वहाँ हमारे पास कचरे बहुत डंप में पड़े भी हुए हैं, उसका भी हमको रिमेडिएशन करना है। तो ये सब भी देखते हुए क्योंकि अभी की व्यवस्था तो बहुत ख़राब है, उस व्यवस्था को सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसमें हम पर्याप्त टाइम देते हुए और पर्याप्त डिस्कशन करते हुए माननीय हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे डिस्कशन करके हम उसको एक नए सिरे से उसको डेवलप करेंगे, ताकि जो कचरा का डिस्पोजल आसानी से हो जाए, साथ में संरक्षण भी अच्छा पॉइंट मिले और जो उस आसपास का एरिया है वो एरिया भी हमेशा साफ सुथरा रहता है। सर खाद बनाने को लेकर के गीले कचरे से आपने कुछ निर्देश दिए? गीले कचरे से क्योंकि हमारे पास एक संरक्षण में पॉइंट रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नंबर का रहता है, लगभग 500 नंबर उसमें आते हैं कि आप गीले कचरे का क्या उपयोग कर रहे हैं। तो गीले कचरे का उपयोग यहाँ मोस्टली मैं जैसे देखा तो वहाँ गीले कचरे तो बिल्कुल नाम मात्र को जा रहे थे और फिर वो भी उसको भी जानवर लोग खा रहे थे, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। इसको हम बिल्कुल नए सिरे से वहाँ पर उसको तैयार करते हुए उसके लिए कंपोस्ट शेड बनाएंगे, कंपोस्ट शेड में वहाँ पर उसका प्रॉपर तरीके से उसका खाद बनाया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो गीले कचरे जो बच रहे हैं उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट में डालकर उसको विधिवत रूप से उसका खाद बनाकर उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, ताकि जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो खाद की बिक्री भी मतलब खाद भी ले सकें और हमारा कचरा को डिस्पोजल हो सके। सर खाद की जो बिक्री के लिए आप बोल रहे हैं इसके लिए किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? अभी तो सर खाद पहले बन जाने दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमको खाद बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और उसका विधिवत रूप से हम ब्रांडिंग करेंगे। और क्योंकि कचरे का खाद का जो है कीमत भी कम रहता है और इसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम एक विशेष इसमें पॉलिसी बनाकर ही इसमें हम इसका विक्रय करने का काम करेंगे।